कृष्णा फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ अंगारा पनीर, जो कि रेस्टोरेंट और ढाबा स्टाइल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैंने थोड़े से मसाला बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने दो टमाटर ले लिए है और दो प्याज है, इसको भी रफली चॉप कर लिया है। और इसमें ले लिया 5 से 6 काजू और 2 पिंच अदरक ले लिए है और 8-10 मैंने लहसुन की कलियाँ ले ली हैं। और अब डाल रहे हैं हम एक पैन में ऑयल, 1 चम्मच मैंने ऑयल डाल दिया है। और मैं इसमें अब लहसुन और क्या कहते हैं अदरक और काजू को डाल दूंगी। 1-2 सेकंड के लिए इसको इस तरह से मैं भून लूंगी, फ्लेम लो रखनी है। अब इसमें हम लोग प्याज डाल देंगे, फ्लेम अब मैं मीडियम कर दूंगी। और साथ ही साथ मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर। अब इसको हमें अच्छे से इसको थोड़ा सा 6-7 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है, ताकि जो टमाटर है हमारे थोड़े सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि हमें इसका एक अच्छा सा पेस्ट बनाना है। आप चाहे तो खोल के भी पका सकते हैं और आप चाहे तो इसको ढक के भी पका सकते हैं 4 से 5 मिनट के लिए। तो देखिए मैंने इसमें 1/2 ग्लास पानी डाला है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए जल्दी से। और मैं इसको ढक दूंगी 3-4 मिनट के लिए। और ये देखिए एकदम से अच्छे से ये सॉफ्ट हो गया है। एक बार हम चेक कर लेते हैं टमाटर को। ये देखिए हमारा जो पेस्ट है रेडी हो चुका है अच्छी तरह से। अब इसको हम ठंडा होने के बाद इसको अच्छे से मिक्सी में पीस लेंगे। गरम बिल्कुल भी नहीं पीसना है, ठंडा होकर ही पीसना है इसको। और मैं इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालूंगी, बिना पानी के ही डाल के इसको पीसना है। ये देखिए हमारा जो पेस्ट है रेडी हो चुका है। अब मैं कढ़ाई ले लूंगी और इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच ऑयल। एक चम्मच डालूंगी इसमें जीरा और थोड़े से खड़े मसाले डालूंगी, जिसमें है तेज पत्ता, 2 लौंग, 4-5 काली मिर्च और 1 छोटी इलायची डाली है और 2 लाल मिर्च डालिए साबुत। इसको भी इसमें डाल लेंगे, 1-2 सेकंड के लिए इसको भी भून लेंगे। और एक मैंने मीडियम साइज का प्याज काट लिया था, उसकी कलियां निकाल ली थी एक एक प्याज की। और इसमें साथ में डाल रही हूँ 1 शिमला मिर्च, इसको भी हम मीडियम फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से ये फ्राई हो गया है, ये बस चला के देख लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे सूखे मसाले, जैसे जिसमें डाल रही हूँ मैं 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 1 चम्मच डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च। तीखा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कम या तेज। और 1/4 चम्मच डाल रही हूँ इसमें हल्दी पाउडर और 1 चम्मच डाला है धनिया पाउडर। और इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच किचन किंग मसाला, ये ऑप्शन है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको डाल सकते हैं। अब फ्लेम एकदम लो रखनी है क्योंकि हम एकदम ड्राई मसाले जो है थोड़ा सा भून रहे हैं 1-2 सेकंड के लिए। इससे ना इसका कलर बहुत ही अच्छा आता है सब्जी में। तो 1-2 सेकंड के लिए इसी तरह से हम इसको भून लेंगे। अब जो हमने पेस्ट तैयार किया था वो अब इसके अंदर हम डाल देंगे। जो बाकी बचा हुआ है वो इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के बाद में इसको ऐड कर लेंगे, जार में जो बचा हुआ है। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। फ्लेम जो है मैंने मीडियम रखी हुई है। अब इसको 1-2 मिनट के लिए मैं इसे ढक देती हूँ ताकि जो मसाला वगैरह है वो अच्छे से भुन जाए। एक बार चेक कर लेते हैं। अब जो जार में मसाला लगा था उसमें मैं 1 कप के करीब मैंने पानी डाला है और अच्छे से इसके अंदर ऐड कर दूंगी, ताकि जो मसाला है वो कढ़ाई में नीचे लगे नहीं। अब इसमें डालेंगे नमक, नमक जो है स्वाद अनुसार डालना है। अब
अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसको 2-3 मिनट के लिए इसी तरह से मैं ढक दूंगी लो फ्लेम पे, ताकि मसाला जो है अच्छे से एकदम पक जाए। ये देखिए वो चेक कर लेते हैं, मसाला हमारा अच्छे से रेडी हो गया है। और 1 चम्मच डाल दी इसमें कसूरी मेथी, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है सब्जी में। इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और मैंने ये 300 ग्राम के करीब मैंने पनीर लिया था, इसके छोटे छोटे पीस काट दिए थे मैंने। अगर आप चाहें तो फ्राई करके भी ले सकते हैं, पर मैं एज इट इज़ ऐसे ही ले रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसे ही सॉफ्ट लगते हैं बहुत ज़्यादा, तो आप फ्राई भी कर सकते हैं। अब मैं एक छोटा ग्लास इसमें पानी डाल रही हूँ, जितनी आपको उसके अकॉर्डिंग ग्रेवी करनी है। ये तेज पत्ता मैं निकाल देती हूँ, इसका फ्लेवर आ गया होगा इसके अंदर, तो मैं ये तेज पत्ता निकाल रही हूँ। और अब इसको ढक दूंगी 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। और अब देखते हैं, बस चेक कर लेते हैं सब्जी। सब्जी हमारी काफी हद तक रेडी हो चुकी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच गरम मसाला, और थोड़ा सा मैंने पनीर को अच्छे से कद्दूकस कर लिया था 1 चम्मच करीब, बड़ा चम्मच, तो इसमें भी इसको डाल रही हूँ ग्रेट किया हुआ। हम साइड से इसलिए आराम से चला रहे थे कि पनीर के जो पीस है वो टूटे नहीं, क्योंकि काफ़ी सॉफ्ट पनीर है, तो इसको 1 मिनट के लिए ढक देते हैं ताकि गरम जो मसाला डाला उसका फ्लेवर अच्छे से आ जाए। और ये हमारी जो सब्जी है एकदम अच्छे से परफेक्ट एकदम रेडी हो चुकी है। एक बार हम चेक कर लेते हैं, और हम गैस की फ्लेम को अब बंद कर देंगे। और अब मैं एक साइड में जो कोयला होता है कोल, यानी कि उसको हम अच्छे से एकदम गर्म कर लेंगे जब तक ये लाल ना हो जाए। और अब मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ थोड़ा सा धनिया, हरा धनिया, इससे थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर आ जाएगा, खुशबू अच्छी आएगी। और थोड़ा सा मैं साइड में कर दूंगी ताकि, क्योंकि हमें इसमें स्मोकी बनाना है तो इसमें थोड़ा सा कोयले की भाप लगानी है, तो इसलिए हम इसको साइड में कर देंगे। ये देखिए कोयला एकदम से गर्म हो गया है। और इसमें अब मैं डाल दूंगी 1/2 चम्मच करीब देसी घी, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। इसको आप स्मोकी पनीर भी कह सकते हैं या अंगारा पनीर भी कह सकते हैं, जो ढाबा स्टाइल होता है ये उसी तरह से है। और अब इसको मैं 5-6 मिनट के लिए इसी तरह से मैं इसको ढके रहने दूंगी ताकि जो इसका फ्लेवर बहुत अच्छे से आ जाए। और ये देखिए एकदम स्मोकी ख़त्म हो गया है, तो इसका फ्लेवर इसमें अच्छे से आ गया है। और ये सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है, आप नान के साथ खाइए, परांठे के साथ खाइए, और चावल के साथ खाइए, तो बहुत ही स्वाद लगती है सब्जी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। और अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। ये देखिए हमारी सब्जी जो एकदम परफेक्ट एकदम रेडी हो गई है, ना ही इसकी ग्रेवी ज़्यादा थिक है, ना ही इसकी पतली है। और ये देखिए देखने में भी कितनी अच्छी लग रही है सब्जी, और ये खाने में भी उतनी ही टेस्टी लगती है, लग रही है ना एकदम ढाबा स्टाइल सब्जी। एवं मैं आपको सब्जी दिखाती हूँ, देखो कितनी ग्रेवी और थिक है इसकी, और पनीर वगैरह भी कितनी अच्छी लग रही है। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके बाय।